क्या दवाओं के नाम पर जहर परोस रहा कटिहार स्वास्थ्य महकमा? एक तरफ लोग दवाओं के लिए तरस रहे हैं तो वहीं दूसरे तरफ सदर अस्पताल के दवा भंडार में खुले में ही धूल फांक रही हैं दवाएं। बिहार स्वास्थ्य महकमे में दवाओं की खरीद बिक्री में बड़ी रैकेट की चर्चा अक्सर राजनीतिक हवाओं में तैरती रहती है। इस बीच कटिहार सदर अस्पताल के दवा भंडार से जो तस्वीर आई है और इस हालत को लेकर अधिकारियों की जो दलील है वह कुछ हद तक इस बात को प्रमाणित भी कर रहा है। दवाओं के लिए क्या समस्या? दवाई तो समझिए 70% बाहर से खरीदना पड़ेगा। एक ठो दवाई दिया, तीन ठो बाहर से खरीदना। दवा वगैरह नहीं मिलती? कहाँ दे रहा है, ढंग से जो है देवे नहीं कर रहा है। क्या बोलता है दवा मांगने पर? है ये नहीं, स्टॉके में नहीं है। कफ सिरप वगैरह भी नहीं मिलता है? कफ सिरप तो बोलिए रहा है कि नहीं, बाहर में लिखा है। दवा मिलता है, कफ सिरप बोलता है बाहर से ले लीजिए। क्या बोलता है? नहीं है, नहीं है। अच्छा, कितना पहले आए थे? वही 8 रोज हुआ। क्या क्या बोलता है? बाहर से खरीद लीजिए। हाँ, बाहर से खरीद, कफ सिरप नहीं है। कटिहार सिविल सर्जन की माने तो राज्य स्तर से ही जबरन दवाओं की अधिक खेप भेज दिए जाने के कारण रख रखाव को लेकर ऐसी समस्याएं होती है। वो दवा जो है शायद आजमनगर पीएससी को बांटने के लिए या वहां भेजने के लिए निकाला गया था, उसमें कुछ दवा का कार्टून फट गया, जो कुछ दवा वहां पर बिखर गई, जो उसको लोग उठा लेना चाहिए था, उठाया नहीं। और ये बात तो है कि अंदर में स्टोर में जगह नहीं की, बहुत कमी है, इसलिए वो वहाँ पर रखा गया, खाली छत बना हुआ है। उसको डायरेक्शन दिए हैं कि उसको प्रॉपर वे में जो है तिरपाल से ढक करके रखिए और गार्ड वहाँ पर रहे ताकि चोरी वोरी नहीं हो। और जो दवा जो है लो टेम्परेचर में रखने का है उसको वहाँ मत रखिए, उसको वहाँ स्टोर में भी रखिए, ये डायरेक्शन हम लोग दिए हैं। बड़ा चुप हुआ है, कई बड़ी संख्या में दवा बर्बाद भी हो गया इस तरह का? दवा बर्बाद तो नहीं हुई है, लेकिन अभी बहुत हाल ही में ऐसा है, 4-5 दिन पहले ही की बात है, इसलिए ऐसा कुछ गुणवत्ता में कमी भी नहीं आनी चाहिए। फिर भी हम लोग देख रहे हैं जितना जल्दी हो उसको हम लोग समेट करके सुरक्षित जगह। लेकिन इस बात से आगे बढ़कर अब जिला अस्पताल में पदस्थापित फार्मेसिस्ट का बयान भी सुन लीजिए। वह साफ कहते हैं कि दवाओं की ऐसी रख रखाव से न सिर्फ गुणवत्ता शून्य हो सकता है बल्कि इसका असर जहर जैसा भी हो सकता है। देखिए सर, बात ऐसी है, दवा का गुणवत्ता प्रभावित होगा ही, जब उसको अच्छी तरह से स्टोर नहीं किया जाएगा तो क्या, वो तो कुछ दवा के ऊपर निर्भर करता है कि किसको कितने टेम्परेचर में रखा जाए। जो दवा मान लीजिए मैंसम में कम टेम्परेचर में रखना है तो बाहर प्रभावित होगा ही, उसका गुण तो बिल्कुल खराब हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल काम का नहीं रहेगा, हमको स्टोर करना 20 डिग्री पर होता है, 100 डिग्री पर है। अच्छा, वैसा दवा ना जानलेवा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वो फायदा करके हर नुकसान पहुँचाएगा। चर्चा यह भी है कि करोड़ों की दवाओं की इस खेप में वैसे भी दवा है जो सरकारी सूची में ही प्रतिबंधित है, मसलन कफ सिरप पहले ही सदर अस्पताल से बांटने वाले सूची से हटा दिया गया है, मगर यह दवा भंडार में उपलब्ध है। जहां तक प्रतिबंधित दवाएं रखे जाने की बात है, इस पर जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उसके बारे में वो जांच करके जैसा होगा करें, जब है अवेलेबल तो ये लोग इंटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, जांच करनी चाहिए, जांच करके हम लोग करें। अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं मीडिया से संपर्क करें।